अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद मी, और आज हमारे किचन में बनी है मिक्स दाल। मज़ेदार मिक्स दाल आज हमने बनाई है और ये बहुत ही यमी बनती है। तो चलें इस मज़ेदार मिक्स दाल को बनाने का तरीका देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से तैयार किया है। एक बोल लेंगे, उसके अंदर मसूर की दाल है ये डाल देंगे 1/4 कप, माश की दाल 1/4 कप ये इसमें चली जाएगी, 1/2 कप मूंग की दाल, 1/2 कप चने की दाल, और 1/2 कप सफ़ेद लोबिया है ये इसमें डाल देंगे, और इन सब दालों को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये मैंने सारी दालें वॉश कर ली हैं अच्छी तरह से। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें पानी डाल दिया है 2 जग। अब मैं ये जो दाल जो मैंने वॉश कर ली थी इसको हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हाई रखेंगे और इसको बॉईल होने देंगे। अब ये पकती रहेगी, इस हाई फ्लेम पर दाल पकती रहेगी। अब दाल में उबाल आ चुका है तो हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। फ्लेम मीडियम कर दी है मैंने, और मीडियम फ्लेम पर हम दाल के गलने तक हम इसको पकाएंगे। जब तक दाल पक रही है हम उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, ऑयल गर्म होने देंगे। अब मैंने एक प्याज ली है दरमियानी साइज़ की, उसको इस तरह से काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे, फ्राई करेंगे। इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी हैं। अब मैं 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूंगी, और ये 4-5 गोल लाल मिर्चें हैं ये इसमें डाल देंगे, फ्राई करेंगे। अब 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये 3 मैंने बड़े टमाटर लिए हैं काट के, ये डाल देंगे। साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है ये डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। पाँच मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। अब मैंने ये 3-4 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून नमक है ये इसमें चला जाएगा। मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। और इसको 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे।
दूसरी तरफ दाल पक रही है, टमाटर गल चुके हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, भुन चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। दूसरी तरफ दाल भी हमारी बिल्कुल गल चुकी है, पककर तैयार हो चुकी है। अब हमने जो ये मसाला बनाया था वो इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है हमने। अब दाल में एक उबाल आने देंगे और अब हम ये वाला चम्मच यूज़ करेंगे, इसे डोई कहते हैं, ताकि इसको हम अच्छी तरह से दाल को इससे घोंट लें। दाल में उबाल आ चुका है, अब हम पुदीना डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे और इसको दम पर रख देंगे हम 10-15 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। दाल को हमने 10-15 मिनट के लिए जब तक दम पर रख दिया है तो हम उसका भगाड़ तैयार कर लेते हैं। एक तरफ एक पैन लिया है मैंने, फ्लेम ऑन कर दी है। पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये मैंने आधी प्याज ली है, तो काटी है, ये डाल देंगे। फ्राई करेंगे। दो हरी मिर्चें इसको मैंने काट लिया है, वो डाल देंगे। हाफ टी स्पून जीरा है। फ्राई करेंगे। अब 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, ये इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे। भगाड़ तैयार हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और दाल में ये भगाड़ डाल देंगे। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मिक्स दाल बिल्कुल तैयार है, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। मैं इसको हरा धनिया ऊपर से डाल दूँगी। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये मज़े की बनती है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।